नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तराना में एक महिला ने प्रथम न्यायाधीश के सामने उपस्थित होकर सुनाई आप बीती और न्याय की लगाई गुहार। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित पूजा ने विधि डागलिया की कोर्ट में अपने बयान 164 के तहत आरोपी बाबूलाल जो उसी के गाँव का रहने वाला है उस व्यक्ति ने एक अन्य युवक आशाराम के साथ मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा, पर महिला के विरोध करने पर आशाराम ने चाकू अड़ाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। इसके बाद दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर बोलेरो गाड़ी में हाथ पैर बांध कर मुझे उसमें डाल दिया। इसके बाद राजा राम विजय सिंह बहादुर कमल चारों ले गए और कहा कि तुझे बालूलाल ने 7 लाख रुपये में बेच दिया है। आगर के पास किसी गाँव से ले गए, फिर आगर थाना में धमकाया और मेरे साथ कोर्ट मैरिज की। मैंने मौका पाते ही आशाराम को फोन से घर वालों को फोन किया, उसकी शिकायत थाने में की, वही मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो बोला कि मोटरसाइकिल पे बैठ, तो मैंने मना कर दिया मोटरसाइकिल पे बैठने की। तो आसाराम ने पीछे से चाकू अड़ाया और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया, फिर उन दोनों ने मेरे साथ में बलात्कार किया, बहुत घिनौनी हरकत की सर में। उसके बाद में एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें मुझे हाथ बांध दिए मेरे और मुँह पर पट्टी बांध दी। उसके बाद में मुझे बिठा दिया, जिनका नाम है एक राजा राम, एक विजय सिंह और एक भादर और एक कमल। चारों ने मेरे हाथ पाँव बांध दिए और बोला कि हमें बाबूलाल ने 7 लाख में बेच दिया है। उसके बाद में मुझे सोनारा ले गए, मुझे कमरे में बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद में वो ले गए मुझे आगर थाना में मेरे साथ जबरन कोर्ट मैरिज की उस आसाराम ने। और ये मैरिज ने बोला कि अगर तू जबरदस्ती कोर्ट मैरिज नहीं करेगी तो ये पूरा थाना मेरे कब्जे में है, मैं तेरे बाप माँ को अंदर कर दूँगा। उसके बाद में मैंने कोर्ट मैरिज कर दी जबरदस्ती। उसके बाद में फिर से मुझे सुनारिया लेके आया। मामला है किस प्रकार का मामला? ये खरखड़ी में पूजा करके है, उसके माता पिता द्वारा पहले भी थाने में शिकायत आवेदन दी गई थी, थाना प्रभारी द्वारा जांच की गई, बाद में फिर पूजा ने भी एक आवेदन दिया था। लेकिन जब उसके डीएम साहब का बयान किए तो उसने कहा कि मुझे जबरदस्ती ले गए थे, तो उसमें से थाना तराना में प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसमें जो भी उसमें शामिल होंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई की गई, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा है कि वो लिंक है और कम से कम 5-2-4 से अधिक लोग हैं, तो जितने भी लोग होंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी स्वयं उसकी जाँच कर रहे हैं और अगर वो किसी इसमें कोई त्रुटि करते हैं तो हम उसको भी देखेंगे और जो महिला ने जो रिपोर्ट की है उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने होकर अपने बयान दर्ज कराया कि थाना प्रभारी द्वारा उनको धमकाया जा रहा है, क्या जिस तरीके से बयान होते ऐसे बयान दिए? अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो उसको हम बुलाएंगे, मैं भी पूछूंगा कि उसको कौन धमका रहा है। अगर कोई अगर इस तरह पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहा है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। मामला सामने आया है खरकड़ी गाँव की पूजा गुजर, उसके साथ बाबू जो कि उसी के गाँव का निवासी है खरकड़ी का, उसको जबरदस्ती उठा के इन्हें उसके साथ ले गया। उसके बाद एक आसाराम भी उसके साथ था, आसाराम ने उसको चाकू अड़ाकर दोनों ने गाड़ी पे बिठाया। उसके बाद सारी घटनाक्रम पुलिस को बताई गई, पुलिस ने 366 342 506/34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। उसके बाद माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कराना श्रीमान डागलिया साहब के न्यायालय में उसके 164 के कथन हुए, जिसमें उसने बताया कि दोनों ये बाबू और आसाराम के द्वारा उसका अपहरण किया गया। उसके बाद उसके साथ दोनों ने मतलब बलात्कार भी किया और उसको अन्यत्र जगह मतलब बेचने की नीयत से अगवा किया था। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने किसी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था? हाँ, FIR हुई है 366 और 342/41 के अंतर्गत मतलब मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद न्यायालय में उसके मतलब कथन हुए, उसमें उसने सारा खुलासा भी किया और खुलासा के बाद उसने बताया कि कहीं पुलिस ने एक आध बार मतलब रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी तो कहीं मतलब वहाँ से भगा दिया था, ऐसा उसके द्वारा ज्ञात हुआ।